हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं तारा द्वारा, आप देख रहे हैं मेरा ब्लॉग। अगर आप मेरे ब्लॉग में नए हैं तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आई होप आप सब ठीक होंगे। और कुछ दिनों के बाद मैं वापस ब्लॉगिंग कर रही हूं, क्योंकि मैं आई हूं बहुत अच्छी जगह, मतलब बहुत ही खूबसूरत जगह है मुंबई में, फेमस, जो मैक्सिमम लोग जानते होंगे। लेकिन जो रात होता है ना, आप उसके रात में आने का बहुत मजा, क्योंकि इतना खूबसूरत ये सीन दिखता है यहाँ का। इसलिए मैं सोची ब्लॉगिंग करती हूँ, वीडियो बनाती हूँ, आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। देखिए मैं दिखाती हूँ, तो मैं आई हूँ कहाँ पे, सीएसटी आई हूँ। सीएसटी मतलब छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल। तो ये देखिए कितना खूबसूरत दिखता है रात में, लाइटिंग में बहुत मस्त दिखता है। और ये है छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल, जो बहुत बड़ा है। ये तो मैंने मतलब दूसरे साइड से मैं आपको दिखा रही हूँ, बहुत बड़ा टर्मिनल है ये। और ऐसी ही लाइटिंग रहती है, रात को दिखता खूबसूरत, दिन में आएगा तो आपको इतना खूबसूरत नहीं दिखेगा, क्योंकि दिन में ऑब्वियसली सी बात लाइटिंग नहीं होती है। और ये उसका एक पार्ट मैं आपको दिखा रही हूँ, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल सी। तो बस आज संडे था तो मैं सोचती निकलती हूँ विजिट करने के लिए, तो मैं आई हूँ इधर। और अभी प्लान है मरीन ड्राइव जाने का, वहाँ भी मैं आपको लेकर चलूँगी। लेकिन बहुत बारिश हो रही है, बहुत नहीं मतलब थोड़ी बहुत बारिश हो रही है, तो मरीन ड्राइव पर पता नहीं जा पाए कि नहीं जा पाए। ये आगे से ऐसा दिखता है, ये बिल्कुल ऐसा दिखता है। और आप लिखा हुआ देख भी रहे होंगे, बृहन मुंबई महानगर पालिका मुख्यालय है यहाँ। और इसका सेकंड पार्ट आप देखिए, इसमें बहुत डिफरेंट लाइटिंग है। और ये छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल में बहुत पुराना है, मतलब इसका कंस्ट्रक्शन अगर आप इससे पढ़ेंगे तो जानते होंगे। और इसका कंस्ट्रक्शन 1878 में स्टार्ट हुआ था, और अभी भी कंस्ट्रक्शन चल रहा है, क्योंकि इतना बड़ा है कि इसमें कंस्ट्रक्शन चलते ही रहता है। लाइटिंग इसकी हमेशा चेंज होती रहती है, अगर आप थोड़ी देर बाद आएंगे आधे घंटे घंटे बाद, तो एक डिफरेंट लाइटिंग आपको मिलेगी। और आपने आपको लेकर चलते मुंबई की सबसे फेमस जगह, गेस कीजिए क्या हो सकता है मुंबई में सबसे फेमस क्या है। खाने की बात नहीं कर रही, घूमने की बात कर रही, क्योंकि जो भी लोग आते हैं उनका एक दो जगह ऐसा होता है, मतलब उनका विश होता है कि ये एक दो जगह जरूर जाए। तो मैं फाइनली अब आ गई हूँ मरीन ड्राइव। यहाँ पे हर कोई आता है, ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे बच्चे, बूढ़े, बैचलर कपल सब आते हैं, आगे रिलैक्स करते हैं रात में, एक एक दो दो बजे तक बैठते हैं, मेरे तक उनकी छुट्टियाँ होती है, तो एक बजे दो बजे तक रात में बैठते हैं। तो फाइनली मैं आपको लेकर चलूँ मरीन ड्राइव। ये जो जगह आपको दिख रही है, ये है मरीन ड्राइव। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, और देखिए यहाँ पे लोग आते हैं बैठने के लिए, रिलैक्स होने के लिए। कुछ ऐसा आपको देखने को नहीं मिलेगा कि बस यहाँ पे समुद्र है, है तो ये बैठने का पॉइंट बना होता है। इस तरीके से लोग आते हैं बैठने अपनी फैमिली के साथ, कोई अपने गर्लफ्रेंड के साथ, कोई अपने, समझ सकते हैं आप, हर कोई किसी न किसी के साथ आता है। और ये है समुद्र की लहरें।